नागवंशी राजपासी समाज के सभी वंशजों को मैं तहे दिल से सादर नमस्कार करता हूँ। साथियों, आज हमारी मुलाकात एक अरसे बाद हो रही है रूबरू। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि कुछ समय से थोड़ा बिजी होने की वजह से मैं आपके सामने नहीं आ सका, मगर आज मैं आपके सामने हमारे समाज के एक बहुत ही महान वीर महाराजा जसवासी के बारे में चर्चा करूंगा। दोस्तों, बाराबांकी के प्रथम राजा थे महाराजा जसवासी। साथियों, आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे उनके शासनकाल के बारे में, उनकी वीरता के बारे में और उनके तमाम ऐसे इतिहास के बारे में जिससे शायद हमारा समाज अब तक पूर्ण रूप से परिचित नहीं। साथियों, मेरे पासी बंधु बांधवों से मेरा निवेदन है, उनसे जो मेरे चैनल के साथ नए हैं, कृपया वे मेरे चैनल को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे संबंध यूं ही प्रगाढ़ बने रहे हमेशा के लिए। मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचते रहे और आपके और हाँ दोस्तों, जिन्होंने मेरे पहले की वीडियो नहीं देखी तो कृपया मेरे चैनल को लॉगिन करें या फिर ऊपर दिए गए आई बटन को भी आप क्लिक कर सकते हैं, उसमें मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन, मेरे वीडियो के आपको लिंक मिल जाएंगे, आप उसे क्लिक करके मेरे वीडियो देख सकते हैं। बिना किसी प्रकार की देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और जानते हैं हमारे महान और वीर राजा जसवासी के बारे में। बाराबा की आबाद होने से पूर्व इस नगर की स्थापना का श्रेय हर पासी वीर शिरोमणि महाराजा जस को जाता है। महाराजा जस ने घाघरा नदी के पूर्वी तट पर एक विशाल किले का निर्माण करवाया था। इस मिट्टी का किला बहुत विशाल था, जो 9 बुर्जों और नाला तथा कृत्रिम 9 कुचिया ताल से घिरा था। अतः किले के चारों तरफ नाला होने के कारण जस नाल से ही जस 9 नाम से संबोधित किया जाने लगा। राजा जसवासी का राज्य क्षेत्र घाघरा नदी और कल्याणी नदी तथा रेत नदी के संपूर्ण भूभागों पर रहा है और इसके अंतर्गत भरपासियों के अनेक किले और गढ़ी वहीं रहे हैं। बाराबांकी के देवा के उत्तर में 2 किलोमीटर दूर राजा जसवासी का एक और किला था, जिसे वर्तमान में जसनारा नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार से बंकी के पश्चिम 9 किलोमीटर दूरी पर जसमंडा का किला था, जिस पर राजा जस के अधीनस्थ राजा सरदार शासन करते थे। ज्ञातव्य है कि राजा जस का किला मिट्टी के ऊंचे प्राचीरों की संरचना से वर्गाकार यानी 500x500 वर्ग मीटर में निर्मित था, जिसके चारों ओर गहरे नाले थे जिसमें पानी भरा रहता था और इस नाले में विषैले जंतु जैसे घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुए, सर्प आदि पाले गए थे। इस प्रकार से राजा जस का किला जसनौल जल दुर्ग योजना पद्धति से बना था। इस किले में पानी की व्यवस्था करने हेतु घाघरा नदी से कृत्रिम नाला खोदकर पानी को लाने की उचित व्यवस्था बनाई गई। साथियों, राजा जसवासी की जो शासन व्यवस्था थी और जो उन्होंने संघर्ष किया वो इस प्रकार था कि महाराजा जसवासी बाराबांकी के प्रथम भरपासी राजा थे और अपनी वीरता, बहादुरी और साहस से बहुचर्चित थे। उन्होंने अपने किले की सुरक्षा पूरब की ओर से जल दुर्ग योजना के अंतर्गत घाघरा नदी और पश्चिम की ओर लगभग 500 मीटर के अंतराल पर दुर्गम रास्ते यानी ऊंचे नीचे ऊबड़ खाबड़ रास्ते बनवाए थे, जिससे आक्रमणकारियों को किले तक पहुंचने में अवरोध और वे दुश्मन के मध्य में ही संघर्ष कर उन्हें समाप्त कर। राजा जस ऊंचे नीचे 12 बंकर खुद बनवाए थे और प्रत्येक बनकर एक सेनापति के अधीनस्थ 200 भरपासी सैनिक सुरक्षा हेतु वहां पर हमेशा रहा करते थे। इस प्रकार से 12 बंकर पर 12 सेनापति और 12 प्रति शिविर पर 200 सैनिक यानी 2400 भरपासी वीर बहादुर सरदार की तैनाती हमेशा रहा करते थे। इस शिविर से गुजरने हेतु कोई वीर सैनिक को अपना परिचयात्मक पत्र के अतिरिक्त प्रत्येक दिवस का गुप्त पासवर्ड बताना आवश्यक था, जिससे किसी भी प्रकार से कोई भी दुश्मन वहां पर प्रवेश न कर सके, और जो पासवर्ड बताने में असमर्थ होता था उसे उसी बंकर पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और उससे सघन पूछताछ के पश्चात राजा जस के दरबार में अभियोजन सहित पेश किया जाता था। इस प्रकार से राजा जस की सैनिक व्यवस्था बहुत ही व्यवस्थित और बहुत ही सुदृढ़ थी।
यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि राजा जस का किला मिट्टी के प्राचीर से बना था और ज्यामिति संरचना के अनुसार किले के प्राचीर पर 9 भुर्ज बनाए गए और प्रत्येक भुर्ज पर पहरेदार सुरक्षा वीर बाके धारित सैनिक हमेशा हमेशा तैनात रहते थे, जो वीर नामक उपाधि से सम्मानित थे। किले के परिसर में अति सुंदर काष्ठ शिल्पों से निर्मित भव्य राजमहल, मंडप, पर्ण कुटीर आदि बनाए गए थे। मुस्लिम आक्रांताओं ने राजा जस के किले पर आक्रमण करके महल को ध्वस्त कर दिया और इसके पश्चात काष्ठ शिल्प से निर्मित संरचनाओं को आग लगाकर प्रायः त्राही त्राही मच गई। इस प्रकार मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा किले को नेस्तनाबूद कर दिया गया था। साथियों, किले जसनौल का नामकरण कैसे हुआ, आइए इसे जानते हैं। वर्तमान में राजा जस का किला ऊंची नीची मिट्टी के ध्वंसावशेष के रूप में आज भी नजर आता है। यदि हम राजा जस का किला जसनौल पर विचार करें तो ज्ञात हो जाता है कि यह जसनौल शब्द राजा जस धन नौल यानी जस जो नाला बनवाया गया था उससे बना है। इसी प्रकार से राजा जस का किला कालांतर में जरवल नाम से भी प्रभाषित हो गया है। जरवल शब्द में भी दो संयुक्त शब्द है यानी जर धन वल, अर्थात जर का अर्थ होता है जलना और वल का अर्थ होता है स्थान। इस प्रकार से मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा काष्ठ निर्मित किले को जला देने के कारण जरवल नाम से अपभ्रंश हो गया है, इसे जरवल नाम से जाना जाता है। यह किला वर्तमान में लखनऊ गोंडा उत्तरी रेलवे लाइन के घाघरा नदी के पूर्व तट पर स्थित है, जो जरवल स्टेशन नाम से भी प्रसिद्ध है और गोंडा जनपद के क्षेत्रांतर्गत आता है। राजा जस के किले के पश्चिम में घाघरा नदी के दूसरे तट पर भरपासी का किला था, जो वर्तमान में भरवल से बुढ़वल नाम से संबोधित किया जाता है। यहां से उत्तर की ओर भरपासियों का बहुत प्रसिद्ध शिवलिंग घाघरा नदी के तट पर आज भी स्थापित है। भरपासियों का किला बुढ़वल रेलवे लाइन स्टेशन के पूर्व में है और रेलवे लाइन भरपासियों के किले के मध्य से होकर जाने के कारण दो भागों में विभाजित हो गया है। किले का अधिकांश भाग दक्षिण की ओर है और इसका विस्तार लगभग आधा फरलांग तक है। इस किले पर कुछ भरपासियों के मकान बने हैं। कृषक टीले को समतल कर उपयुक्त भूमि बनाकर खेती किया करता है। किले का ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व है। इस किले पर मध्यकालीन लाल मृतपात्र तथा खंडित इष्टिका के टुकड़े आज भी मिलते हैं। किले का ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक किले काल में ब्रह्म घाट घाघरा नदी का चौका घाट सुविख्यात व्यापारिक नगर एवं केंद्र रहा है। साथ ही ज्ञातव्य है कि भरपासी राजाओं के वीर बहादुर भरपासी कालांतर में मुस्लिम अधिपति के पश्चात भरपासी ही नाम बदलकर रावत में परिवर्तित हो गए और राजा गंगा बक्स रावत के समय में पूर्ण रूप से रावत की उपाधि से सम्मानित होने का गर्व प्राप्त किया। कुछ भरपासी सीतापुर में राजघरानों के होने के कारण राजवंशी भी कहलाए। इस प्रकार से पासी समाज में उपाधियों का प्रचलन भी चल पड़ा। बाराबांकी और लखनऊ के पासी रावत उपाधि लगाते हैं। साथ ही मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरे वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे। इसमें किसी प्रकार की यदि त्रुटि आपको मिलती है, कुछ भी मुझसे भूल होती है, तो मैं सबसे पहले आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहूंगा और यदि आप उसमें कुछ अपनी राय दे सकते हैं तो आपका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। और हमारे समाज के लिए मुझसे जो भी हो रहा है, जो भी बन पड़ रहा है, मैं करता रहूंगा निरंतर। यूं ही भक्ति भाव से अपने समाज की सेवा करने के लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहूंगा और मैंने इस बात की शपथ ली है। तो साथियों, आप यूं ही मेरे वीडियो देखते रहें। अगले वीडियो में आपसे मैं फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय पासी समाज।